करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Hey guys, welcome to my channel, welcome to another exciting vlog. तो ये एक बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रहा था, अभी लाइट चला गया, तो अभी लाइन गया था, अभी लाइन वापस आ चुका है और अपने ये रूम को एक्चुअली अभी छोड़ने का टाइम आ गया है। तो ये ब्लॉग बेसिकली उसी के ऊपर है और हमारा अभी कितना, अभी थर्ड ईयर भी ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो जाएगा, अभी बाकी है थोड़ा एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम देने के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अपना थर्ड ईयर। उसके बाद हम लोग फोर्थ ईयर में जाएंगे। तो कुछ दोस्त बाहर शिफ्ट हो गए हैं कॉलेज के और मैं और मेरे कुछ दोस्त हॉस्टल में रहेंगे करके सोच रहे हैं, बाकी क्या होता है आगे वो तो आप देखोगे। और आज सुबह से बाहर बारिश लगा हुआ है तो अभी मैं अपने रूम में ही बैठ कर अभी जितना भी हो सके वो सब पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, इसको सब इग्नोर कीजिए आप, तो वो ऑब्वियसली हॉस्टल में ये सब चलेगा ही। तो अभी आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि गर्मी की वजह से मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, फ़ैन ऑफ किया था। तो बाकी मेरे दो रूममेट्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं, शुभम और शिवा, और एक नया रूममेट ज्वाइन हो गया है, उसको मैं कभी दिखाऊंगा। और उसके बाद हमारा भी अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो इस रूम में बहुत सारे मेमोरीज़ है, यहाँ पर हम थोड़े झगड़े हैं, थोड़े मतलब मिल के पढ़ाई की जगह उनो खेल रहे थे, बैठ के गेम्स खेल रहे थे, वो सब मेमोरीज़ है, उसको एक रिमाइंडर की तरह मैं इस ब्लॉग में ऐड कर रहा हूँ तो मुझे याद रहेगा। तो ये पूरा रूम का एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ छोड़ने से पहले इस रूम को। तो यहाँ पर शिवा रहता था, लास्ट में शुभम रहता था, वो दोनों तो ऑलरेडी जा चुके हैं एग्ज़ाम से पहले। ये रहा मेरा नया रूममेट। तो बाकी ये रूम का हालत कुछ ऐसा ही है, बाकी सबको इग्नोर कीजिए। तो अभी बारिश हो रहा था बाहर तो जा नहीं सकते, और अभी थोड़ी देर के बाद अपने लंच का टाइम भी हो जाएगा और फैन का साउंड आ ही रहा होगा क्योंकि गर्मी है। तो छोड़ने से पहले एक छोटा सा एक तो क्लिप्स की तरह हम इसको याद रखेंगे, इसलिए मैंने ब्लॉग में लिया है। और ये रहा मेरा वाला बेड। तो मेरा वाला बेड तो वैसे ही है क्योंकि एग्ज़ाम तो चल रहा है ना, इसी की वजह से। ये अपना डेस्क के ऊपर वो कवर डाला हुआ था, मैंने निकाल दिया क्योंकि उसको धोने के लिए शिफ्ट करना है, अभी मैं फिर घर चले जाऊँगा। तो ये अपना वाला टेबल फ़ैन और ये अपना वाला सेल्फ, जो जितना है उतना मैं सेटिंग करके। तो ये रहा मेरा सेल्फ जो कि मैंने आपको दिखाया है, और नीचे वीचे सब शू हुआ है। और अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद फिर से लाइन चला गया। एग्ज़ाम देने के बाद जो भी जितना भी है उसको मैं ऐसे ही मतलब पैक करके चला जाऊंगा घर। जब घर से आऊंगा डायरेक्ट यहीं से ही जो भी हॉस्टल अलर्ट होगा हमको फोर्थ ईयर में, तो वहीं पे मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो ये कुछ लास्ट वाले लम्हे अपने हॉस्टल में, यहाँ पर तकरीबन हम 2 साल रहे हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फिर आगे ये लाइन बार बार जा रहा है या आ रहा है, फिर आगे कहाँ पर शिफ्ट करते हैं फिर देखेंगे। कभी मैं शुभम और शिवा वाले रूम में जाऊँगा, मतलब उनके घर में जाऊँगा, तो उनका भी एक छोटा सा व्लॉग लेके आऊँगा। 2 hours later। तो अभी मैं फिर से छत के ऊपर आ गया हूँ, अभी कुछ टाइम के लिए सिर्फ बारिश बंद हुआ है, और बाकी साइड वाले हॉस्टल का मरम्मत चल रहा है इसलिए आपको साउंड भी आ रहा होगा। तो एक बार वेदर देख लीजिए, मौसम बड़ा सही कर रखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। हाँ, और ये हॉस्टल का एक प्लस पॉइंट भी था कि यहाँ से अपना कॉलेज का व्यू सबसे अच्छा आता था, बट अभी शायद तक हॉस्टल चेंज होगा। सामने ही पानी भरने का था, गैराज था अपना, बाइक वाइक ला के अब रख सकते हो, बाकी वहाँ तो बाहर जाने का था। तो ये कुछ कुछ प्लस पॉइंट थे इस हॉस्टल के। तो अभी चेंज होगा हॉस्टल, तो ये कुछ लास्ट वाले, और ये छत के ऊपर भी बहुत सारे मेमोरीज़ हैं, एग्ज़ाम टाइम की मेमोरीज़ हैं, जो कि हम 4 दोस्त कभी मतलब सोते नहीं थे, पढ़ते रहते थे, और रात के 3-4 बजे ऊपर आके थोड़ा गाना सुन के माइंड फ्रेश करके जाके फिर रिविज़न करते थे सेमिस्टर के टाइम पर। इंजीनियरिंग करोगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे दुनिया जो बोले, मेहनत नहीं करोगे तो बाकी एरा गेरा बन जाओगे। तो उसी में ये थोड़ा बहुत मोमेंट्स, और ये उसका सीढ़ी वाला रास्ता, इग्नोर दिस, वेदर एक नंबर करके है। और हाँ, बाय द वे अपना कैंटीन है, कैंटीन में हम खाते थे, यही साइड में ही कैंटीन था। आराम से जब लंच आएगा, लंच तो नहीं मतलब जब भी खाना आता था, लंच डिनर कुछ भी, तो आराम से साइड में दिख जाता था आगे करके, ये हॉस्टल से निकल के हम चले आते थे वहाँ पर। देखो धूप कितना हो रहा है, पर पीक में है धूप, रेनबो भी निकलेगा शायद।
क्या पता, देखेंगे आगे। 2000 years later. तो भाई लोग, हाँ, मैं अभी अपना ये चिप्स खा खा के एल्विस भाई का ब्लॉग देख रहा था। वो उनका मतलब ये दोस्त उनके ब्लॉग छोड़े हैं कि, तो अभी आपको जितना दिखाना था रूम के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है। ये जस्ट एक तो मेमोरी के लिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, तो अभी इस ब्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ। और आपको भी मतलब आप भी बिग बॉस देख रहे हैं कि नहीं, OTT सीजन 2 अपने फुकरा भाई और एल्विस भाई के लिए, तो हम भी देख रहे हैं। तो जी ठीक है, ब्लॉग को यही रखते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अलग ही ब्लॉग में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।